और आपको जान के हैरानी होगी महावीर जी, मेरी दीक्षा हुई, दीक्षा के दूसरे साल बंबई की केएम हॉस्पिटल ने, नाम सुना होगा आपने, वहां आज भी मुंबई में मुंबई समाचार पेपर गुजराती चल रहा है। मेरी दीक्षा के दो साल के बाद बंबई समाचार में एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल तंत्री लेख, उसमें एक शब्द आया था केएम हॉस्पिटल में डॉक्टर स्ट्राइक पे गए। सर बोलो आपको क्या लगता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर स्ट्राइक पे गए फिर क्या हो सकता है? आपकी उम्मीद जो भी हो, आप जो भी चित्र मानते हो, मगर वो बंबई समाचार का आर्टिकल में वो लिखा था कि डॉक्टर स्ट्राइक पे गए फिर मरीज की मरने की संख्या कम हो गई। तुम समझे नहीं क्या? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर बनने के बाद मरीज की संख्या कम होनी चाहिए? उसने ये लिखा था कि सब डॉक्टर स्ट्राइक पे गए फिर जो मरण प्रमाण था वो अपने आप से कम हो गया। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, आपके घर में यदि तूफान ज्यादा है ना, स्ट्राइक पे उतर जाओ, कुछ मत करो, अपने आप से घर में मजा आ जाएगी। चलो आगे, सच बोलो, दिस इज द मिस कॉल। भगवान हम चाहते हमारी उम्मीद बढ़े, हम चाहते भगवान हमारे पास समय मिले, हम चाहते भगवान हमारा संस्कार बचे, हम चाहते भगवान हमारा लक बढ़े, हम चाहते इस जीवन में हमारा उत्साह बढ़े। एक थैला गेहूं से निकल जाए और एक मिनट में नीचे गिर जाए, जीवन में इंटरेस्ट खत्म होता है। बार 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 होता है कि जीवन को खत्म करो, कुछ जीवन में बचानी है, मर जाओ। इससे अलावा तो ये 90 साल की एज में भी लगे कि गुरुदेव और भी जीवन मिल जाए, 10 साल जीने का आनंद है, मैं जीवन से थका नहीं हूं, ये ताकत यदि आपके पास आ जाए। मेरी प्रशंसा के लिए नहीं पूछता हूं, मगर पूछता हूं आपको, सच बोलो, कोई यूनिवर्सिटी ये शिक्षा देती है तुम्हें? कोई यूनिवर्सिटी में तुम्हें यह शिक्षा मिली? कोई संस्था नहीं दी? तुम्हारे परिवार में से तुम्हें मिली? एक साधु ही दे सकता है यह अनंत उपकार। स्लेवरी वर्सेस ब्रेवरी वर्सेस स्लेवरी, पांच चीज, वो ताकत वाली चीज, बैड हैबिट से मुक्त हो जाओ। याद रहा ना पहले का? तो अरे इतना तो बोल दो यार, क्विज में हो गए पास। नंबर एक बैड हैबिट्स, हाँ, रेगुलर चेकिंग, ओके, आस्क फॉर नथिंग, वाह। नंबर तीन, हाँ, विक्टरी ऑन माइंड एंड इरेज द पास, ओके, ये है ब्रेव। और ये आज का पांच सब्जेक्ट, मिस कॉल, लैक ऑफ लक, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ कल्चर एंड लैक ऑफ होप। मैं चाहता हूं ये परमात्मा की परम करुणा, कभी कभी मैं मेरी खुद की बात करना चाहूंगा कि एक कमजोर से कमजोर बीज एक माली ने अपने हाथ में उठाया तो क्या उसमें संस्करण करके कहां से कहां लेके गए। मगर मैं चाहता हूं दो ही शिविर बची है, आपके मित्र को, यहां बैठने वाली बहनों को कहना चाहता हूं, आपकी सखी को, आपके कोई भी रिलेशन वाले को, लास्ट दो शिविर में कहीं से भी आमंत्रण करके हर प्रोग्राम कैंसिल करके भी उनको बुला लो। और एक बात, आज जो गुजराती पुस्तक निकला है जमणवार, इनका हिंदी वर्जन स्नेह भोज, एक महीने में कितने आगम ग्रंथों का संशोधन करके एक महीने में एक किताब लिखी जाती है। आप भगवती कब पढ़ेंगे? आचरण सूत्र आप कब पढ़ेंगे? ठाणांग सूत्र आप कब पढ़ेंगे? वो पढ़ने के बाद ये सब किताब लिखी है इन ओनली 30 रुपीज, आपके लिए, आपके व्यापारियों के लिए। आप गिफ्ट आइटम देना चाहते हो, गुजरात हिंदी दोनों वर्जन आपके पास उपलब्ध है, जितना स्टॉक में होगा इनकम इतना ही मिलेगा, आप बाहर से ले पाएंगे। अगली शिविर ठीक 10 बजे हम फिर यहाँ इकट्ठे होंगे। सर पचकान उपवास श्री मंगलवार से नवपंची की होली शुरू हो रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आंबेल में जुड़ने का मेरा आपको एक प्रेरणा भी है और आपको उपदेश भी। आई एम बिल पोर्सिस।
जैन श्री श्रुति देवी सरस्वती भगवती हमको वर देना श्री श्रुति देवी सरस्वती भगवती हमको वर देना जीवन की बांसुरी मेरी श्रद्धा जो भी लिखा है सिर्फ बहन बोलेगी नहीं आप सबको भी बोलना है या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति करने जा रहे परमात्मा ही करते घर से निकले मंदिर तक पहुंचे जाने अनजाने किसी भी जीव की हिंसा हुई हो इनके लिए हम क्षमा चाहते मां मंगलकारी सरस्वती आराधना में प्रवेश करने के पहले एक अद्भुत माहौल आपकी अनुभूति का विषय बनेगा इसमें प्रवेश करने के पहले शायद आपने आज तक पूजन बहुत देखे होंगे मगर पूजन में आप सबका इन्वॉल्वमेंट इतना शायद पहली बार होगा
अद्भुत महामंगलकारी क्रिया है। आप सबको वो क्रिया में भी इतना आनंद आएगा आप अपने जबान से बयान नहीं कर पाएंगे। महामंगलकारी इस आराधना की शुरुआत के पहले हम इरिया भी करते छामिक मधुमी छागरण संधि सभगन इरिया में बड़ी कौन चामी कमात उन्होंने वंदे जाने जाएं सी आए मध्य रंधा में चार कर संधिशा भगवान इरिया में बड़ी कमाएं बड़ी कमें ये चमी चाम बड़ी कम इरिया में ये विरणा कमना कमने पाना कमने भैया कमने रखने उस आउटिंग का पढ़ा कदका मट्टी कर संतान से कमने जेम्बे जीवा विरह एक इंद्र बेंदे देंदे जो जब दिया अभियावती अलेस संग संग दिया परिवर्तन दिया ठाणा उठाने संग मिया जीविया वो रविया तस्मिच्छा मिन्न करण दसों तरीकने ने पाये तो करने मिसाई करने मिसाली करने राम पावाड़म कम्बाड़म निकाने टे डामी काउस कमान नत्ता उसा सीए राम निसा सीए राम खासी राम जिम्मा राम उठने मारे सके राम बम्बल ये भी तो मुच्छा है सुमे मंग संग चालें सुमे कंदिंग कालें सुमे डिसिंग कालें एक भाई माँ करेंगे प्रभो विदाई हो जिमे काउस को एक लोगस ना आवे तो चार नौका जावरियंताणं भगवंताणं नमस्कारणं नापरिमिताव कायं नाणेनं मुणेनं जानेनं अप्पाणं भूसिरामि नमो अरियंदानम नमो लगास जो अगर तम अधिकतर इधर यंत्र कितने ही समझो भी तुम्हीं केवले उस सुबह मजियां चमंदे संभव मविन्दन सुमें जब पम पम सुपास एम जेंचे जंदा पम मंदे सुवें जब तंदा हम सियाले सिंह जब आसु कुंजा भी मनवन दम जब दम हम संतीन जब बंदा मी कुंतु मरम जब मल्ली मंदे मुनि सुवें नमः जन जब बंदा मेरी टने भी बासंत बद्ध मानन जा एवं मैं वित्वा वीर मला पहिने तरुणा जब भी संभीजन आती तेरा में किसी अंतो कीर्ति अवन्दे में यह जय लोगस उत्तम सिद्धार मोहिला हम समय पर उत्तम अंदिंदो चंद्रेश नुम्मले राय जिंद्रा सागर वगैरह मेरा सिद्धा सिद्धि ममदी संतो सभी के हाथ जुड़े हुए आपके सामने माँ सरस्वती की प्रतिमा है उन पर दृष्टि रख करके माँ को हम कहेंगे आपकी साधना हम शुरू कर रहे हैं परमात्मा की कृपा से आपकी साधना हमारी सफल हो इनके लिए हम तीन बार संकल्प करेंगे मैं जैसे ही बुलाता हूँ आप सबको बोलना है श्री हाथ जोड़ के श्री तीर्थंकर गणधर प्रसादात श्रुत देवी साधना मम एष योग फलतु श्री तीर्थंकर गणधर प्रसादात श्रुत देवी साधना मम एष योग फलतु श्री तीर्थंकर गणधर प्रसादात श्रुत देवी साधना मम एष योग फलतु ये हम शुरुआत करने जा रहे समाप्ति हमारी निर्विघ्न हो इसलिए भी हम अंजलि बद्ध प्रणाम करके माँ को प्रार्थना करते इमं विज्जम पवन जामी सिज्ज उमे पसिज्ज उ इमं विज्जम पवन जामी सिज्ज उमे पसिज्ज उ इमं विज्जम पवन जामी सिज्ज उमे पसिज्ज उ अभी आप सबको यहाँ देखना है हम पूरे शरीर में एक एक अंगोपांग की आत्मरक्षा करेंगे मैं जैसे यहाँ से मेरा एक्सप्रेशन हो आपको भी ऐसा एक्सप्रेशन करना है बोलना कुछ नहीं है मैं ही बोलूँगा ओम ब्रह्मिष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षा करम वज्र पंजरा बम स्मराम्यम ओम नमो अरियंताणम शीरकम शीरशिष्ठितम ओम नमो सभ्य सिद्धाणम मुखे मुख पटंबरम ओम नमो आयरियाणम अंगरक्षाति साईनी ओम नमो वज्जायाणम आयुधम हस्तयोर्दृढ़ ओम नमो लोये सब्बसावणम मोचकोपादयो शुभे एषो पंचनमुक्कारो शीला वज्रमयी तले सब्बपावप्रणाशनो वप्रो वज्रो मयो वही मंगलानंच सब्बेशिं खादिरांगारकातिका स्वाहं तं च पदं नयम् परमम अवै मंगलम वप्रोपरि वज्रमयम् पिधानम देह रक्षणे
महाप्रभावा रक्षयम क्षुद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभि यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदैः सदा तस्य नश्चाद् भयं व्याधि राधिश्चापि कदाचन। आपकी किट में वासक्षेप है, वो वासक्षेप आपको लेना है। दाएं हाथ में वासक्षेप लेना है और जिस जगह पे आप बैठे हो चारों ओर हम भूमि शुद्धि करेंगे ताकि कोई भी दुष्ट देवता हमारी साधना को डिस्टर्ब न करे। आपको चारों ओर वासक्षेप डालना है। श्लोक में बोलता हूँ, ओम भूरसी भूतदात्री सर्वभूते भूमि शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूरसी भूतदात्री सर्वभूते भूमि शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूरसी भूतदात्री सर्वभूते भूमि शुद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। अभी अंजलि करना है, अंजलि हाथ ऐसे और तीर्थ जल हम जैसे समित शिखर पालीताना पावापुरी गिरनार ऐसे तीर्थ की यात्रा करने के लिए गए और उनका जल हमारे हाथ में है ऐसी कल्पना करके हम ये मंत्र स्नान करेंगे। ओम उमले विमले सर्व तीर्थ जले पप पम पम वम वम असुचि सुचिर भवामी स्वाहा। ओम अमले विमले सर्व तीर्थ जले पप पम पम वम वम असुचि सुचिर भवामी स्वाहा। ओम अमले विमले सर्व तीर्थ जले पप पम पम वम वम असुचि सुचिर भवामी स्वाहा। आपके जो वस्त्र पहने हैं हम वस्त्र को भी मंत्र से अभिषिक्त करेंगे, इनकी भी क्रिया है। आपको वस्त्र पे अपना हाथ फैलाना है। ओम ह्रीं क्षीं क्षीं बम बम वस्त्र शुद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीं क्षीं बम बम वस्त्र शुद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्षीं क्षीं बम बम वस्त्र शुद्धि कुरु कुरु स्वाहा। कलमसधन ये दोनों हाथ आपके यहाँ। ओम विद्युत पुलिंग मा विद्येश्वर मम सर्व कलम समद कुरु स्वाहा। ओम विद्युत पुलिंगे मा विद्ये मम सर्व कलम समद स्वाहा। ओम विद्युत पुरुषोलिंगे मा विद्ये मम सर्वसम कलम समद स्वाहा। हृदय शुद्धि दोनों हाथ को हृदय पे घुमाना है, ऐसे दोनों हाथों को हृदय पे घुमाना है। ओम विमलाय ये ऐसे हाथ रखना है, लेफ्ट साइड में हृदय है वहाँ घुमाना है। ओम विमलाय विमल चित्ताय क्षीम क्षीम स्वाहा। ओम विमलाय विमल चित्ताय क्षीम क्षीम स्वाहा। ओम विमलाय विमल चित्ताय क्षीम क्षीम स्वाहा। अभी पांच जगह पे मंत्राक्षर की हम प्रतिष्ठा कर दे। राम रिम रुम हृदय पे रुम रोम नहीं एक हाँ नहीं नहीं ये पांच अंगुली पे आपको करना है। पीछे मैं करूँ अंगुली पे राम रिम रुम रोम रह राम रिम रोम रिम रह राम रिम रुम रोम रह। अभी हम माँ सरस्वती अपने सामने है उनको आह्वान करते कि आप इस मंडप में विराजमान हो और हमारी साधना को स्वीकार करो। आह्वान मुद्रा ऐसे करना है। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती अत्र एहि एहि संभव षट। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती अत्र एहि एहि संभव षट। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती अत्र एहि एहि संभव षट। हाथ आपके नीचे, हाथ नीचे स्थापना, अंजलि को उल्टा करना है। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ। मुठिया खींचकर अंगूठा ऊपर। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती मम सन्निता भव भव षट। ओम ह्रीं नमोस्तु भगवती सरस्वती मम सन्निधा भव भव षट।
ओम रीम नमस्त भगवती सरस्वती ममा सन्निधा भव भव षट अभी अंगूठा अंदर ओम रीम नमस्त भगवती सरस्वती पूजांतम जापतम यावत अत्रैव स्थातव्यम ओम रीम नमस्त भगवती सरस्वती पूजांतम जपांतम यावत अत्रैव स्थातव्यम ओम रीम नमस्त भगवती सरस्वती पूजांतम जपांतम यावत अत्रैव स्थातव्यम अभी अंगूठा भीतर मगर तर्जनी अंगूरी बाहर ऐसे ओम रीम नमस्त भगवती सरस्वती परिशाम दीक्षिता मदृश्य भव भव ओम रीम नमस्त भगवती सरस्वती परिशाम दीक्षिता मदृश्य भव भव ओम रीम नमस्तु भगवती सरस्वती परिशाम दीक्षिता नाम अदृश्य भव भव आप अभी हाथ में बात संक्षेप लेंगे एक ही बार में श्लोक बोलता हूं आपको माँ सरस्वती की मूर्ति पर बात संक्षेप करना है ओम रीम नमस्तु भगवती सरस्वती गंधादीन गुरुआण गुरुआण नमः ओम रीम नमस्तु भगवती सरस्वती गंधादीन गुरुआण गुरुआण नमः ओम रीम नमस्तु भगवती सरस्वती गंधादीन गुरुआण गुरुआण नमः इडिया काउस छामिक मन उन्नदिमी सी आय मध्य नंदामी छागरण संधि सब गन इडिया बड़ी नमो अरियंदानम लगास सब जो अगर तमारी तरी जगर जंते कितने ही समझो जब मिके बोले उस सभा मजियन च बंदे संभव अभिनंदन सुमें जब हम अपम सुपास समझें जब जंदप्पा बंदे सुवें जब जंदा हम सियाल सिंह जवास कुंज जब मन मन तम जंदा हम संदीन जब बंदा मी कुंतु बराम जब मल्ली बंदे मुनि सुवें न बिजने जब बंदा मेरी ठरी में पासन दो तमान जा एवं मैं भी तुआ भीमे रमला पहिने धर्मला जब इसम बिजने बात इतने रामिशन दो कीर्ति वंदे मैया जलो उत्तम सिद्धा रूप बैलवम समय उत्तम बिंदु चंदेश निमल राज चंद्र सागर मेरा सिद्धा सिद्धि मम दिस धाम मनन निमि श्याम दिनामी जागरण संधि सब गुण सुदेव आराधना तुम कौशक करो चावि गोद वंदन दान जन सी आए निमनामी जागरण संधि सब भगवान सुदेव आनंद कौशक करो करे इच्छम सुदेव एक नौकार नौकार हम ये महामंगलकारी आराधना अपनी बुद्धि को शार्प करने के लिए नहीं कर रहे इस आराधना के फल से माँ से हम क्या चाहते शायद मे भी पॉसिबल हमारे पास सोचने की भी क्षमता न हो इस आराधना करने वाले ने मुझे और आपको क्या परमात्मा से मांगना है उनका संकल्प लिखा है आपके पास जो कार्ड है पहले नंबर में संकल्प लिखा है मैं आपको बुलवाता हूँ तीन बार हम संकल्प करेंगे फिर ये साधना शुरू हो जाएंगी हे सारदे माँ मेरी बुद्धि में स्थिरता दे मेरी बुद्धि में स्थिरता दे मेरे विचारों में निर्मलता दे मेरे विचारों में निर्मलता दे
मेरी वाणी में तेजस्विता दे, मेरी वाणी में तेजस्विता दे, मेरे स्वभाव में सहजता दे, मेरे स्वभाव में सहजता दे, मेरे व्यवहार में सरलता दे, मेरे व्यवहार में सरलता दे, मेरी दृष्टि में गुणदर्शिता दे, मेरी दृष्टि में गुणदर्शिता दे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मेरी बुद्धि में स्थिरता दे, मेरी बुद्धि में स्थिरता दे, मेरे विचारों में निर्मलता दे, मेरे विचारों में निर्मलता दे, मेरी वाणी में तेजस्विता दे, मेरी वाणी में तेजस्विता दे, मेरे स्वभाव में सहजता दे, मेरे स्वभाव में सहजता दे, मेरे व्यवहार में सरलता दे, मेरे व्यवहार में सरलता दे, मेरी दृष्टि में गुणदर्शिता दे, मेरी दृष्टि में गुणदर्शिता दे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मेरी बुद्धि में स्थिरता दे, मेरी बुद्धि में स्थिरता दे, मेरे विचारों में निर्मलता दे, मेरे विचारों में निर्मलता दे, मेरी वाणी में तेजस्विता दे, मेरी वाणी में तेजस्विता दे, मेरे स्वभाव में सहजता दे, मेरे स्वभाव में सहजता दे, मेरे व्यवहार में सरलता दे, मेरे व्यवहार में सरलता दे, मेरी दृष्टि में गुणदर्शिता दे, मेरी दृष्टि में गुणदर्शिता दे। अभी मैं आप सबको इस आराधना में क्या जाप करना है, वो जाप आपको मैं प्रदान कर रहा हूं। या संगीत की सुरावली चलती रहेगी और आपकी जाप की साधना चालू रहेगी। आपको कार्ड जो है, आपको हाथ कार्ड में नहीं देखना है, हाथ जोड़ के आपको मंत्र लेना है। मैं 7 बार आपको मंत्र बुलाऊंगा और फिर आपको वो साधना शुरू करनी है। सिर्फ छोटा सा मंत्र है, हाथ जोड़ के, कार्ड सब नीचे रख दे, कार्ड सभी के हाथ में से नीचे, हाथ जोड़ के इस जाप गुरु भगवान के मुंह से लेना है। ऐं नमः, 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 ऐं नमः। 7 बार आपको जाप हो गया। माला आप सभी के पास है। यदि माला यदि आपके पास न भी हो, आप अंगुली पे हाथ से भी गिन सकते। ये जाप आपको जो दिया, वो जाप यदि आपको स्मृति पथ में न हो तो कार्ड में, एक मिनट, कार्ड में यदि आपको ये जाप स्मृति पथ में न भी रहा हो, कार्ड में लास्ट पेज में अंतिम पंक्ति में जाप का मंत्र लिखा है, 3 दिन में, 3 दिन में 40, 40 और 45, या तो आपको जो भी उचित लगे वो, यहाँ जितनी माला हो, मगर घर पे जाकर के भी 3 दिन में ये जाप की 125 माला यदि आपसे हो पाएगी तो निश्चित तौर से ये माँ का जाप आपको हाइट पे ले जाएगा। कहीं ना कहीं एक विधि संपन्न करनी होती है, यहाँ जितना हो सके उतनी माला, घर पे जाकर के भी छोटा सा मंत्र है ऐं नमः 125, 3 दिन में कोई कठिन काम नहीं है। हमें ये सरस्वती प्रसन्न करना है तो इतना बलिदान तो हमको देना है। जाप शुरू करने से पहले प्रार्थना, जाप शुरू करने से पहले, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ,
लगे। कि बुंद तो तेरे में आ गया, मगर तू नीचे की ओर जाकर के नदी में एक रूप क्यों होती है? झरना का यही कहना था, मुझे और विराट बनना है, मैं तो बहुत छोटा हूं। यदि नदी में हो जाओ हजारों मील तक की मेरी यात्रा चली जाए, मैं विराट बनना चाहता हूं। नदी को पूछा कि तू भी बेती 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 सागर में विलीन हो जाती है, राज क्या है? और नदी का भी वही जवाब था, धूप जबरदस्त हो मेरा पानी सूख सकता है, मगर एक बार सागर में मिल गई, दुनिया में किसके बाप की ताकत नहीं कि मेरे पानी को कोई सुखा सके। बुंद ने विराट बनने के लिए झरना का शरण स्वीकारा, झरना ने विराट बनने के लिए नदी का शरण स्वीकारा, नदी ने विराट बनने के लिए सागर का शरण स्वीकारा। वहाँ तक तो ठीक था। सागर को किसी ने पूछा, तेरे ही पानी को तू बादल बनने देता है ऐसा सुना है, धूप जबरदस्त आती है तेरे ही पानी से बाप बनती है, उनका बादल बनता है। आखिर मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, इतना विराट बन गया, अभी ऊपर जाने की और नीचे आने की जरूर क्या है? कृत कृत्य तू हो गया, अभी कुछ जरूर क्या है? सागर ने पूछने वाले को इतना ही जवाब दिया, ये लड़का कौन रो रहा है? बुंद को विराट बनना था, इसलिए सागर में झरना में गया, झरना को विराट बनना था नदी में, नदी को विराट बनना था सागर में। अभी तेरा प्रश्न है कि मैं इतना विराट बन गया फिर भी ऊपर क्यों जाता हूं? इनका एक ही कारण, यदि धरती गर्म है, धरती यदि प्यासी है, मेरी जिम्मेदारी होती है इनकी प्यास को मैं बुझाऊं, और इसलिए मेरे पानी को भाप बनके मैं ऊपर जाने देता हूं। दो ही बातें, हम क्षुद्र हैं तो विराट बन जाएंगे, और विराट बनेंगे तो क्षुद्र को तृप्त करने का हम प्रयास करेंगे। ये माँ सरस्वती की साधना क्या है? हम यदि बहुत छोटे तो बड़े हो जाएंगे, और बड़े यदि हो जाएंगे तो छोटे को संभालेंगे, वो दो को छोड़ के तीसरा कोई काम नहीं है। आत्मा परमात्मा बन जाता है, और सिद्धि गति में जाने के बाद भी सिद्ध भगवान तो सारे जगत के जीवों पर उपकार करते। आज वो बात करना चाहता हूँ, माँ सरस्वती की साधना 5 स्तर पर परिवर्तन ला देगी आपका। नंबर 1, आप ये फील करना है कि निश्चित तौर से माँ की साधना मेरे जीवन में सफल हुई कि नहीं। ये चीज आपके पास आ जाए तो निश्चित तौर से मानना कि परिवर्तन की लहर अपने जीवन में शुरू हो गई। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, गरीब आदमी अमीर बन चुका है, इनके पहचान यदि आपको करना है कैसे होगी? बिना पूछे, सामने वालों को आप पूछो भी नहीं, और आपको पता चल जाए
कि अभी अभी लगता है पैसा बहुत बन गया है। एक समय इनको मैंने देखा था और आज देखता हूँ। आपको पूछना चाहता हूँ, आपके पास यदि जवाब हो, गरीब आदमी अमीर बन गया है वो मुझे और आपको बिना पूछे पता कैसे चलेगा? आप बोल सकते हो कैसे पता चलेगा? आप बोलो, इनकी सामग्री चेंज हो जाएगी, इनके कपड़े बदल जाएंगे, इनका मकान बदल जाएगा, इनके मकान में रहा हुआ फर्नीचर बदल जाएगा, हर चीज। आप इनकी सामग्री को देख करके बोलेंगे कि निश्चित तौर से पैसा बन गया लगता है, कि इसलिए तो ये इनमें चेंज है। रिपीट करना चाहता हूँ, गरीब अमीर बनता है पता तब चलता है इनकी सामग्री बदल जाए, पापी आदमी धर्मी बनता है इनका पता तब चलेगा इनकी सोच बदल जाए। माँ सरस्वती की साधना से पहले नंबर का बदलाव स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग, आपकी सोच की जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड हाई चली जाएगी। ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। हर छोटी चीज को लेकर के मन जो उलझता है, चाय ठंडी आई मन गर्म हो गया, दाल में नमक कमाया मन बिगड़ गया, बूट पॉलिश बराबर नहीं हुआ मन, वेरी इतनी क्षुद्र चीज कि कोई यदि मुझे और आपको पूछे कि तुमने इतना गुस्सा किया किस चीज को लेकर के, हमारी आंख शर्म से झुक जाए, इतनी छोटी चीज को लेकर के मैंने गुस्सा कर दिया। ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। माँ सरस्वती की साधना की सबसे पहली फलश्रुति स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग आपकी बदल जाए, बदलनी ही चाहिए। और एक बात मैं आपको पूछू, सच बोलो दुख क्या है? आप यदि मुझे बताओ कि दुख क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग का लेवल जितना कम, जितना कमजोर, जितना नीचा, जितना अधम, वही तो दुख है। हाई थिंकिंग जैसे बन गया दुख खत्म हो गया। आपने देखा होगा, सच बोलो, पर्वत के शिखर पे जाने के बाद नीचे रहे हुए कांटे और पत्थर दिखाई नहीं पड़ते कि खत्म हो जाते। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप वो हाइट पे चले जाओ फिर नीचे जो कांटे और पत्थर है वो आपको दिखाई नहीं पड़ते कि गुम हो जाते? दिखाई नहीं पड़ते। आप इस हाइट पे चले गए, कांटे अपनी जगह पे है, पत्थर अपनी जगह पे, मगर आपको देखने का बंद हो गया क्योंकि आपने वो हाइट पकड़ ली। माँ सरस्वती की साधना से आपकी सोच की वो हाइट चली जाएगी। जो व्यक्ति जैसी है वैसी शायद रहेगी, मगर आप उनको लेकर के जो दुख महसूस करते थे वो दुख महसूस करने की बात खत्म हो गई। आप एकदम हाई लेवल पे चले जाएंगे। पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, पत्नी डॉक्टर थी, पति वकील था, और ऐसा हो गया कि पत्नी ने बोला कि मैं तो चाहती हूं कि अपना बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी खुद डॉक्टर थी और पति वकील था, उसने बोला नहीं, मैं तो चाहती हूं कि अपना बेटा एडवोकेट ही बनेगा, डॉक्टर में कुछ नहीं है, घर घर में संघर्ष यही होना है। और ये बात तो शुरू हुई, विवाद शुरू होता है ना, खत्म तो जल्दी नहीं होता है। और दोनों के बीच में बात बनती 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 5 मिनट 10 मिनट शब्द गर्म होने लगे, आवाज बढ़ने लगी, जो कोई समाधान नहीं हुआ। 10 मिनट चली और बाजू वाले के घर में आवाज गई, बाजू वाला नजदीक आया, दरवाजा खटखटा, अंदर गया, उसने पूछा पति पत्नी को कि इतने 10 मिनट से तुम झगड़ रहे हो, बात क्या है? और पत्नी ने बोल दिया, मैंने सीधा बोल दिया है मेरे बेटे को मैं डॉक्टर ही बनाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और ये कहते अपने बेटे को वकील बनाना है। ये इतना झगड़ा हो चुका 10 मिनट तक, तो बाजू वाला नया नया था, दूर से आया था रहने के लिए, उसको इस घर का पता मालूम भी नहीं था, घर की व्यवस्था क्या है, और उसने इतना ही पूछा कि कम करो, मैं ही आपके बेटे को मिल लेता हूँ और इनको पूछ लेता हूँ कि तेरी राय क्या है, तुझे डॉक्टर बनना है कि वकील बनना है? और पति ने मुस्कान के साथ कहा, बेटे का भी तो जन्म भी नहीं हुआ, होने के बाद की बात है, अभी जिसका जन्म नहीं हुआ इसको लेकर के 10 मिनट से बबाल चल रही है कि ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा। साधु जीवन में सबसे बड़ी हमारी ताकत यदि कोई भी हो, स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग। माँ सरस्वती सिद्धि अटैक करती है हमारी थिंकिंग पर, हमारी जो गलत सोच को लेकर के बबाल बबाल को छोड़ के हमने जीवन में कुछ महसूस नहीं किया, रोज तूफान
सुबह से लेकर के रात तक हम अपने आप को चेक करते लगे हमारा मन मन है कि कचरा पेटी है। हर गलत सोच मेरे मन में फिट होकर के बैठी है। माँ सरस्वती सबसे पहले आपको ये खत्म कर देंगी। मैं चाहता हूं आप इस सरस्वती पूजन को आज के दिन का सरस्वती पूजन 9:30 बजे फिनिश कर देंगे और यदि आप जाओ तब एक सिर्फ छोटा सा संकल्प करना, या तो दोपहर को 3 से 4, 2 से 3, 1 से 2, 12 से 1, 5 से 6, आपको जो भी उचित लगो, एक घंटे के लिए गलत सोच आएगी तो उनको स्टोरेज नहीं करूंगा, सिर्फ इतना प्रयोग प्रैक्टिकल। गलत सोच नहीं आएगी आपके बस की बात नहीं है, मे बी पॉसिबल कुछ सोच आ जाए, मगर उनको 2, 5, 10, 15 मिनट तक मन में स्टोरेज मत करो। आपको मालूम है मोबाइल की व्यवस्था है ना, क्या कर दो, डिलीट, जैसे आया उनको डिलीट कर दो। आज एक प्रयोग करो, निश्चित तौर से मैं कहूँ आपको सफलता मिल जाएगी। ओनली फॉर 1 आवर्स टूडे, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 7 से 8, आपको जो भी उचित लगे वो एक घंटे के लिए मन में किसी के लिए कोई भी गलत सोच आएगी वो गलत सोच को अंदर स्थान नहीं देंगे। अंदर बैठने की आपको मालूम नहीं, कोई आपके घर में मेहमान आया, आपने यदि उनको बैठने का कोई सोफा सेट कुर्सी नहीं दी, कहाँ तक खड़ा रहेगा, कहाँ तक खड़ा रहेगा, चला जाएगा ना। वो बोलेगा यहाँ बैठने की भी कोई बात नहीं करता है तो आने की जरूरत क्या है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, गलत सोच आ जाए उनको खड़ा रखना, उनको बैठने के लिए जगह मत देना, वो अपने आप से चले जाएगा। ओके, आज एक घंटा तय करेंगे क्या, पकान एक घंटा सोने का तय मत करना। हाँ, तुम बोलेगे रोज 2 से 3 सो जाता तो वही अच्छा है, वो मत करना प्लीज। चलो आगे, नंबर 1, माँ सरस्वती की साधना मेरी और आपकी। आप क्या बताऊं, हमारे वहां वो शब्द लिखा है, हम आगे चलते हैं, मगर एक शब्द लिखा है, साधु दीक्षा लेने के बाद जितना जितना इनका समय बढ़ता जाएगा उसके जीवन में सबसे ज्यादा परिवर्तन आएगा। तो कहाँ आएगा, ये हमारे वहां लिखा है, तेजोलेश्या विवृद्धि या साधो प्रिया वृद्धि तो बाशिता भगवत यादव सेतम बुतस्य युजते। ज्ञान सार में उपाध्याय जी यशोवी जी महाराज ने हमारे साधु के लिए एक ही शब्द लिखा है कि दीक्षा के बाद जितना समय बढ़ते जाएगा इतनी मन की प्रसन्नता, मन की विशुद्धि निश्चित तौर से बढ़ती जाएगी। और विशुद्धि का संबंध किससे है, विशुद्धि का संबंध क्या है, सोच से है। आपकी सोच हाई चली, आपकी विशुद्धि बढ़ती चली। माँ सरस्वती की साधना से सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग आपका बदल जाएगा, बदलने का आप प्रयास करेगा निश्चित तौर से। दीदी मेरे अधरों को ज्ञान स्वर यही माँ